Dear students, in this module we are going to discuss some peculiar and important crimes against people, which include murder, rape, personal assault, child abuse, and harassment. So crime against people involves violence or threat of violence against individuals. So is, is victim-based crime. इस वजह से जस्टिस सिस्टम जो है इसके अंदर बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होता है और इसके हवाले से जो मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल है या जो पनिशमेंट का मैकेनिज्म है वो भी बहुत स्ट्रांगली डिवाइस किया जाता है मर्डर रेप पर्सनल असल्ट और चाइल्ड अब्यूज़ और हरासमेंट ये इस तरह के क्राइम्स uh, हैं कि जिनके अंदर चूँकि डायरेक्टली विक्टिम्स इन्वॉल्व होते हैं uh, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़ है उसके अंदर भी जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ बहुत सख्ती से उसको डील करती हैं इस इसी तरह हरासमेंट है तो हरासमेंट के केसेस के अंदर भी गवर्नमेंट इस हवाले से एक्टिवली डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इंगेज करती है ताकि इस तरह के जो विक्टिम बेस्ड क्राइम हैं उनको रिड्यूस किया जा सके उनको मिनिमाइज किया जा सके लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि चूँकि विक्टिम बेस्ड क्राइम्स uh, के अंदर डायरेक्टली विक्टिम्स इन्वॉल्व होते हैं और डायरेक्टली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन्वॉल्व होता है तो इसके हवाले से जो मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल जब अडॉप्ट किया जाता है पनिशमेंट का निज़ाम जो होता है वो इफ़ेक्टिव डिटरेंस क्रिएट नहीं कर पाता और अगर वो इफेक्टिव डिटरेंस क्रिएट ना कर पाए तो ऐसे क्राइम्स को अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है So, Pakistan unfortunately has the high rate of crimes against people, with some estimates suggesting that there are over 10,000 reported cases of rape each year. And again, these may include the child abuse as well. So recent past ke under, humne dekha hai ki child abuse or child pornography, ke cases Pakistan or मीडिया ने भी एक कैंपेन रन की और लोगों के अंदर भी एक सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोड्यूस करने की कोशिश की जो इस तरह के विक्टिम बेस्ड क्राइम होते हैं एक वक्ती तौर के ऊपर उनके ऊपर बहुत सख्त रिएक्शन प्रोड्यूस होता है माशरूम के अंदर लेकिन अगर उसको किसी प्रॉपर मैकेनिज्म का किसी प्रॉपर सिस्टम का हिस्सा ना बनाया जाए तो अनफॉर्चुनेटली जितनी देर तक उसका ट्रेंड चलता है उतनी देर तक वो इफ़ेक्ट रहता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो क्राइम्स जो हैं वो दोबारा से सरफेस के ऊपर इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं सो फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रेवलेंस ऑफ सच क्राइम्स इन पाकिस्तान कैन इंक्लूड पावर्टी जेंडर इनिक्वालिटी वीक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सो अगेन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आवर जस्टिस सिस्टम बिकम्स वन ऑफ द सोर्सेज वन ऑफ द फैक्टर्स Uh, which is contributing to the high crime rate. If our justice system is more strong, if our justice system is based on equality, then these crimes can be reduced.